हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। तो मेरे पास है यहां पे Redmi 6A, Redmi 6 और Realme C1। तो यहां पर तीनों ही फोन्स आपको पता है कि 6, 7 और 8 हजार यानी कि चीपेस्ट प्राइस रेंज के फोन है। तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि किस फोन के अंदर बैटरी कैपेसिटी कितनी है। तो यहां पर मेरे पास तीनों का बॉक्स है और बॉक्स पे ही मेंशन किया हुआ है बैटरी कैपेसिटी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं Realme C1 का, तो C1 के अंदर आपको बैटरी मिल जाता है 4203 mAh का, बॉक्स पे लिखा हुआ है। और आई थिंक कि Redmi के बॉक्स पर नहीं ही लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ। इसमें 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले नैनो, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, देख लो भाई, बैटरी 3000 mAh। और ये Redmi 6A, इसके अंदर भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर बैटरी 3000 mAh, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ तीनों बॉक्स के यहाँ पर मेरे पास एडेप्टर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो एडेप्टर है, ये एडेप्टर C1 का है, और ये एडेप्टर जो है ये 5V 1A का एडेप्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और ये हाँ यहाँ देखो, 5V 1A का वोल्ट है, ये 1A का एडेप्टर है Redmi 6 का। और 6A का जो है ये भी 5V 1A का एडेप्टर है, स्क्रीन पे आपको यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा टाइमर लगा हुआ है, टाइमर भी मैं ऑन कर दूंगा। यहाँ पे ये मेरा बोर्ड है, ठीक है। तो मैं सारे चार्जर्स को जो है कनेक्ट कर देता हूँ ताकि फोन जो है चार्ज लेने लगे इससे। तो वेट, अभी जो है तीनों फोन्स फुल बैटरी डाउन है, तीनों फोन में से किसी में भी जो है चार्ज फिलहाल नहीं है। सबको मैंने एकदम 0% करके फोन को जो है ऑफ होने दिया है ताकि हम लोग जो चार्जिंग स्टार्ट कर सकें वो एकदम 0 to 100 हो, ठीक है। तो मैं इस एडेप्टर को पीछे रखता हूं ताकि आपको सब कुछ दिखता रहे, कुछ भी गलत ना हो यहां पर। तो एक सेकंड इस एंगल में कर देता हूं ताकि पता चल सके कि कौन सा एडेप्टर कौन से फोन का है। ओके, तो आई थिंक वी आर रेडी। ये क्या हो गया, हाँ कनेक्ट हो गया, नहीं हुआ, यहां पे कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो कनेक्ट हो गया और यहां पे मेरे पास तीनों फोन्स जो हैं वो आगे में रखे हुए हैं, जिसको कि मैं कैमरा बाद में थोड़ा नीचे कर दूंगा इस तरह से, अभी ही कर देता हूं, ठीक है। तो कैमरा नीचे हो गया, टाइमर जो है टाइमर यहां पर हो गया, सबको जगह नहीं मिल पा रहा है फ्रेम में। ओके, तो अब हम लोग एक एक करके कनेक्ट करते हैं। पहले मैं इसे अलग कर देता हूं। तो यहां पर जो ये एडेप्टर है, रुक जाओ, ये तार बड़ा लंबा हो गया, हाँ। तो ये जो एडेप्टर है ये है Realme C1 का। तो C1 देख लो, यहां पर फुल मेरा जो है डेड है, 0% चार्ज है, ऐसा डेड हुआ है कि फोन जो है ऑफ हो गया है। चार्ज में लगाने के बाद मैं तीनों फोन को जो है ऑन कर दूंगा। ओके, तो यहां पर कनेक्टेड, ओके कनेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद ये है Redmi 6A का एडेप्टर। तो ये देखो, ये है 6A का एडेप्टर और ये बीच वाला जो फोन है यही है Redmi 6A। तो इसे मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। उसके बाद तीसरा जो एडेप्टर है मेरे पास वो है Redmi 6 का, तो इसे हम लोग यहां पे कनेक्ट कर देते हैं। तो तीनों ही फोन आपके सामने यहां पे फ्रेम में कनेक्ट हो गए हैं। और अब जो है मैं पावर बटन ऑन कर रहा हूं मेन बोर्ड का और सारा फोन जो है चार्ज होने लग जाएगा। ओके, तो यहां पर जो है इसके अंदर आप देखेंगे तो चार्जिंग शुरू हो गया, यहाँ पे Redmi में भी चार्जिंग शुरू हो गया। Redmi 6 में चार्जिंग शुरू नहीं हुआ, तो 6 वाला केबल शायद काम नहीं कर रहा है, मैं इधर लगा देता हूँ। ओके, तो हाँ 6 में भी काम होने लग गया, 6 में अभी लाइट ब्लिंक हुई थी, ये देखो। तो तीनों में जो है करंट कनेक्ट हो चुका है और अब मैं तीनों फोन्स को एक एक करके ऑन कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम लोग ऑफ मोड में चार्ज करेंगे तो चार्जिंग जो फास्ट होने लग जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको कभी अपना फोन फास्ट चार्ज करना हो तो आप उसको ऑफ करके चार्ज कर सकते हैं या फिर एयरप्लेन मोड में डाल के चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों फोन्स एक एक करके ऑन हो रहे हैं और सभी 0% पर थे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आई थिंक के टाइमर तो ऑन किया ही मैंने, ये लो भाई टाइमर भी जो है ऑन हो गया। ओके, तो तीनों अभी 0% है या 1% हुआ होगा अब। तो फोन ऑन हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा देर हम लोग वेट कर लेते हैं, ऑन होने देते हैं इसको। तो अभी भी Redmi 6 जो है ये ऑन नहीं हो रहा है, बस बार बार ब्लिंक हो रहा है चार्जिंग कि भाई 0% चार्ज है। पता नहीं, लगता है कुछ ज्यादा ही डाउन हो गया Redmi 6। तो यहां पर सबसे पहले हमारा C1 जो है ये ऑन हो गया है और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1% चार्ज आपको C1 के अंदर जो है शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा Redmi 6A भी जो है ऑन हो गया है और इसके अंदर भी 1% चार्ज शो हो रहा है। तीसरा फोन जो हमारा है Redmi 6 वो अभी तक ऑन नहीं हुआ है, वो देना। और बात करें अगर गर्मी की, तो यहां पर जो है
रियलमी के अंदर जो अभी टेम्परेचर है वो 28.5 डिग्री का है, और यहाँ पर रेडमी 6A में जो गर्मी है वो भी 28.5 का है, और रेडमी 6 में जो गर्मी है वो 28.4 का है। और देखो यहाँ पे रेडमी 6 भी ऑन हो गया है, और ये देखिए आप 1% चार्ज है। तो अब जो है मैं टाइमर यहाँ पे लगा हुआ है, और फोन के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे रेडमी 6 के अंदर जो है एक भी सिम नहीं लगा हुआ है, तो आप यकीन मान लो कि चार्जिंग जो है वो थोड़ी फास्ट होगी, और मेरे ख्याल से बार बार रेडमी 6 का जो है अडेप्टर चार्ज छोड़ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग इसे कहीं और कनेक्ट करके। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारे फोन्स के जो है सिम बाहर निकाल दिए हैं। अभी इस समय किसी भी फोन में जो है सिम कार्ड नहीं देखने को आपको मिलेगा। एक सेकंड, हाँ ये देखो यहाँ पे भी आप देखोगे तो सिम कार्ड का ऑप्शन बना हुआ है कि एरर है, और ये है रेडमी 6A, इसके अंदर से भी मैंने सिम निकाल दिया, नो सिम। और यहाँ पे रेडमी 6 के अंदर तो भाई पहले से सिम नहीं था, नो सिम। तो तीनों फोन यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। अभी 3 मिनट हो रहा है, तो 30 मिनट होने पर मैं देखता हूँ कि कौन फोन जो है कितना परसेंट चार्ज हुआ है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो है एक्चुअली 34 मिनट हो गया और मुझसे थोड़ा सा पीछे हो गया, कोई बात नहीं, 3-4 मिनट से कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अब, तो ये है मेरे पास यहाँ पर Realme C1। तो भाई 34 मिनट में ये सिर्फ 13% चार्ज हुआ है, एज यू कैन सी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ओनली 13%। भाई मुझे ऐसा नहीं यकीन था कि इतना स्लो चार्ज होगा, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे Redmi 6 का, तो Redmi 6 जो है इतना देर में 22% चार्ज हो गया है, एज यू कैन सी 22% चार्ज्ड। और बात कर लेते हैं Redmi 6 का, तो Redmi 6 जो है वो भी 21% चार्ज हो गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 1 घंटे के बाद क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो है 1 घंटा हो गया, एक्चुअली 1 घंटा 10 मिनट हो गया, और अब देखते हैं कि कौन सा फोन जो है कितना परसेंट यहाँ पे चार्ज हुआ है। तो स्टार्टिंग करते हैं Realme C1 से। तो जैसा कि आप देखोगे यार, बहुत ही शर्मिंदगी वाला परिणाम है, 25% चार्ज हुआ ओनली 1 घंटे में 25%। बात करते हैं नेक्स्ट फोन यानी कि Redmi 6A की, तो Redmi 6A जो है ये 44% यहाँ पे जो है चार्ज हो चुका है, और यहाँ पर है Redmi 6 जो है वो 42% यहाँ पे चार्ज हो चुका है। तो तीनों फोन कंटिन्यू चार्ज हो रहे हैं। और फिर से मैं छोड़ देता हूँ, बात करता हूँ हीट की यानी कौन सा फोन कितना गर्म है। तो यहाँ पर जो C1 है वो चला गया 90 डिग्री, सॉरी ये तो फ़ारेनहाइट में है, हाँ 32 डिग्री तक चला गया। Redmi 6 की अगर मैं बात करूं तो Redmi 6 अभी 31 डिग्री पर है, और Redmi 6A की अगर मैं बात करूं तो Redmi 6A भी जो है वो भी 31 डिग्री पर है। तो देखते हैं कि अभी तो 1 घंटा हुआ है, अब हम लोग सीधा देखते हैं 2 घंटे के बाद क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके भाई लोग, 2 घंटा 1 मिनट हो चुका है, और इस टाइम जो है अगर मैं बात करूं Realme C1 की, तो C1 जो है अब तक 44% जो है बैटरी चार्ज हो गया है, एज यू कैन सी, ठीक है। और बात कर लेते हैं Redmi 6A का, तो 6A जो है वो यहाँ पर 76% चार्ज हो गया है बैटरी। और मैं अगर बात करूं Redmi 6 का, तो 6 जो है वो 73% चार्ज हो गया है। तो आप देख सकते हो कि Realme C1 का कितना गंदा हाल चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 31 डिग्री पर है Redmi 6, और 31 डिग्री पर है Redmi 6A, 6A भी उतना ही पर है, और यहाँ पर जो है Realme C1 ये भी 31 डिग्री पर है। तो तीनों 31 डिग्री पर है, 2 घंटे हो गए हैं, और अब हम लोग देखेंगे भाई अगर 76% तो हो ही गया है ना, 74-76 हो गया है, तो देखते हैं मतलब 2 घंटे के बाद 3 घंटे पे देखते हैं कि 3 घंटे पे कौन कितना चार्ज हुआ है। ओके, तो यार यहाँ पे सबसे मजे की बात ये है, जल्दी से मैं दिखा देता हूँ, Redmi 6A में जस्ट अभी जो है 100% चार्ज हो गया, और अभी 3 घंटे हुए भी नहीं थे, ठीक है। मुझे 3 घंटे पे ऑन करना था, बट ये दोनों डिवाइस जो है ये 99% हुआ है। ये है हमारा Redmi 6, अरे क्यों पगला रहे हो भाई, चलो बैक हो जाओ। हाँ ये है हमारा Redmi 6, ये जो है 99% चार्ज हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बात करें यार Realme C1 की, तो ये अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ 60% चार्ज हुआ है, जो कि बहुत बुरी बात है, यानी कि इसे अभी और चार्ज के लिए टाइमिंग चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा का मतलब कि अभी मुझे लगता है ये 1 घंटे और ले लेगा, यानी कि Redmi 6 और 6 से तो आपके 3 घंटे में चार्ज हो जाएंगे, 6 में अभी 100% नहीं हुआ है, बट किसी भी वक्त हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर की बात कर लें तो यहां पर है 29.4 Redmi 6 में, Realme C1 में जो है 33 डिग्री भाग गया है, और Redmi 6A में जो है 30 डिग्री है। तो यहां पर टेम्परेचर सबके जो है 29-30 के आसपास है, 29-30 और भाई 33, ये देखो 32-33 फ्लक्चुएट हो रहा है। तो भाई आई थिंक इसमें 1-2 मिनट और लगने वाला है, और जैसे ही 100 होता है तो मैं क्लिप आगे दिखा देता हूं आपको कि कितने देर में 100 हुआ कंफर्म। ओके
हाँ तो भाई 3 घंटा होते ही यहाँ पर जो है Redmi 6 भी जो है 100% हो गया, और 6A तो पहले ही से 100% हो गया था, वो मैं आपको दिखा चुका था, और Realme C1 जो है वो स्टिल जो है चार्ज हो रहा है। वैसे भाई यहाँ पे एक बात बता दूं मैं, जो कि भाई आप लोग को भूल गए होगे अगर ध्यान में ना हो तो, क्योंकि मैं गलती से भूल गया था, 61% हुआ है। तो Realme C1 के अंदर जो है बैटरी इन दोनों से ज्यादा है, इन दोनों में 3000 mAh की बैटरी है, Realme C1 में 4200 समथिंग या 300 समथिंग की बैटरी है। रुको मैं दिखाता हूँ और हम दोनों आदमी साथ में देखेंगे, ठीक है। तो ये बॉक्स है, बॉक्स पे देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है 4230 mAh की बैटरी है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। एक्चुअली क्या है कि Realme C1 के साथ आपको 1 एम्पेयर का चार्जर, 1.5 एम्पेयर का चार्जर मिलता है, बट Realme C1 जो है 2 एम्पेयर का चार्जिंग सपोर्ट करता है, ठीक है, मैं टेस्ट कर चुका हूँ, 2 एम्पेयर का सपोर्ट करता है। तो ऐसे में इन लोगों ने जो है कम पावर का चार्जर दे दिया है, जिस वजह से फोन जो है बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है चार्ज होने में। ये इन लोगों ने बहुत गलत काम किया है, बहुत ही ज्यादा गलत काम किया है। अब देखते हैं कि कितना घंटा लगता है भाई फुल चार्ज होने में। एक गलती हो गई, 3 घंटा 38 मिनट होने के बाद जो फोन है, मतलब मेरा ये वाला जो फोन है स्टॉप वॉच वाला, ये गलती से बंद हो गया, तो दोबारा मैंने क्लॉक स्टार्ट कर दिया है और अभी 23 सेकंड हुआ है, ठीक है। तो इसे हम लोग काउंट कर लेंगे और मेरे पास स्क्रीनशॉट में प्रूफ भी है, और Realme C1 जो है वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 74% बैटरी चार्ज हुआ है, ठीक है, अभी भी 26% बचा हुआ है। ओके दोस्तों, तो यहां पर भाई लोग जो है ना हद हो गई है। हद क्या हुई है मैं बताता हूं, ठीक है। तो 1 घंटा 30 मिनट तो अभी हो गया, पहले से 3 घंटा 38 मिनट हुआ हुआ था, अब 3 घंटा और 1 घंटा को जोड़ोगे तो 4 घंटा होगा, 30-30 मिनट दोनों साइड से जोड़ोगे तो हद है यार, मतलब 5 घंटा हो जाएगा यार। मतलब Realme C1 5 घंटे में भी फुल चार्ज नहीं हुआ है भाई, मुझे लग रहा है कि यार फोन में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है। ये देखो, रुक जाओ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अरे ऊपर तो ऑप्शन ही नहीं आता है। ओके कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये देखो तो यार अभी ये 98% चार्ज हुआ है, मतलब भाई लोग 5 घंटे में भी ये फोन चार्ज नहीं हुआ है। देखो फोन खराब नहीं है, ठीक है, क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ, अभी ही बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने यहां तक वीडियो देखा है ना उनका पूरा हक है यार कि वो पूरी बात जाने, मतलब बाकी लोगों का भी हक है बट नहीं, उनका पूरा हक है। क्या है बात मैं बताता हूँ, बॉक्स में जो आपको अडेप्टर मिला है वो 1 एम्पेयर का है, ये फोन 2 एम्पेयर का अडेप्टर सपोर्ट करता है, इन लोगों ने पैसा बचाने के लिए 1 एम्पेयर का अडेप्टर आपको चिपका दिया, सीधी सी बात है, इसलिए ये स्लो चार्ज हो रहा है। अब भाई डिस्चार्जिंग टेस्ट की वीडियो मैं ना बना पाऊंगा, 99% हो गया देख लो, डिस्चार्जिंग टेस्ट की वीडियो मैं ना बना पाऊंगा, ऐसा इसलिए है भाई क्योंकि कल मुझे ट्रैवल करना है और C1 और Realme 2 Pro के ओनर को, मतलब जिनको मैंने फोन सेल कर दिया है उनको फोन देना है, अपने भाई से मिलना है, थोड़ा घूमना फिरना है। मैंने ऑलरेडी 10 वीडियो डाल रखी है, पता नहीं ये वीडियो किस दिन आएगी। तो मेरे पास जो है अभी कोई फोन नहीं रहेगा, मेरे पास बस बचेगा 6A और 3S Prime, Redmi Note 5 Pro, 4 फोन मेरे पास बचेगा, बाकी सारे फोन जो है सेल हो चुके हैं। अब नया सीरीज मेरे पास आएगा Redmi Note 6 Pro, उसके बीच में मुझे नहीं लगता कि मैं कोई फोन परचेस करूंगा, ठीक है, क्योंकि Redmi Note 6 Pro के लिए मुझे पैसे जमा करने होंगे। आप लोग इतने अच्छे अच्छे व्यूज दे ही रहे हो यार, मतलब बस व्यूज देते रहो यार, बस व्यूज, मतलब देखते रहो वीडियो, शेयर करते रहो, लाइक कमेंट करते रहो, पैसा बरसेगा, ठीक है, पैसा बहुत आएगा, जितना पैसा आएगा सबका मैं फोन खरीदता जाऊंगा, ठीक है, तो फोन खरीदूंगा, क्योंकि मुझे कंपनी फोन देती नहीं है तो खरीदने के लिए मतलब क्या करना पड़ता है। देखो 10 तारीख है आज, 10 तारीख को शूट कर रहा हूं मैं, सॉरी 28 तारीख है आज, 28 तारीख को शूट कर रहा हूं मैं। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप कोई और अडॉप्टर यूज कर लो, 2 एम्पेयर का, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का, शाओमी का 350 में आपको मिल जाएगा, या फिर रियलमी 2 प्रो का जो अडेप्टर है वो भी यूज कर सकते हो, तो इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो बढ़ जाएगी, और क्योंकि इसमें 4200-4300 mAh की बैटरी दे दी गई, एक बहुत ही हेवी बैटरी दी गई है, तो समझ रहे हो बैकअप बहुत देगा, तो इसलिए जो है टाइम लग रहा है चार्ज होने में। और 5 घंटा कौन इंसान फोन को चार्ज में लगाता है यार, लेकिन अगर चार्ज कर दोगे तो 1.5 दिन तो एकदम आसानी से चलेगा। Redmi 6 और 6A, ये फोन जो है ना सुबह से दोपहर तक चलता है, शाम तक चलता है, ठीक है, उससे ज्यादा ना, नॉर्मल यूज करने पे शाम तक, वरना वो बंद हो जाता है। तो मैं डिस्चार्जिंग टेस्ट की वीडियो यहाँ पे नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मुझे सोना है एक्चुअली सच में, ठीक है, तो इसलिए माफ कर देना, बट मैं बता रहा हूँ C1 की बैटरी जो है चलेगी 1.5 दिन, आराम से 1.5 दिन चलेगी, यानी आज सुबह अगर आप निकालो नॉर्मल यूजर 8 बजे चार्ज से सुबह में, तो वो फोन जो है आपको 8 बजे रात तक, उसके बाद 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक आराम से चल जानी चाहिए, अगर आप थोड़ा सा हेवी यूजर हो, क्योंकि इसके अंदर PUBG लैग करेगा, अच्छे से चलेगा नहीं, मैंने टेस्ट नहीं किया, मैं बता रहा हूँ यही होगा, तो PUBG लैग करेगा तो आप इसमें करेंगे क्या, थोड़े बहुत वीडियो देखेंगे तो मतलब ठीक है यार। देखो एवरेज यूजर्स के लिए या आपके सेकेंडरी फोन के लिए ये फोन बेस्ट है, आपके एरिया में नेटवर्क नहीं आता है तो ये फोन बेस्ट है, लेकिन
सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका चार्जिंग स्लो है, स्लो है तो भाई स्लो है, क्या कर सकते हैं। अभी के टाइम में यहाँ पे भाई अभी भी 99% चार्ज हुआ है और यहाँ पर जो है टाइम जो है निकलते चला जा रहा है, मतलब मैं भी थक गया हूँ सच में। 1 घंटे 34 मिनट हो गई है, 1% के लिए क्या मैं वेट करूँ, मुझे लग रहा है मुझे छोड़ देना चाहिए, मतलब 34 से 40 हो जाएगा और क्या। तो लेकिन ओवरऑल तो इतना ही हो गया ना, 1 घंटा 34 मिनट। और यहाँ पर जो पुराना वाला है जो एक्चुअली मुझसे डिलीट हो गया था, मतलब बंद हो गया था फोन, तो 3 घंटा 38 मिनट था। तो 3 × 2 = 8 वही, मतलब 5 घंटा 15-20 मिनट मान के चलो आप कि इस फोन को चार्ज होने में लगेगा। तो बस यार यहीं पे वीडियो खत्म करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को दबाइए ताकि आप देख सकें ऐसे ही वीडियोस, सबसे पहले तो नहीं मगर हाँ मतलब पूरी टेस्टिंग के साथ। और एक वादा है कि मतलब मेरी कोई भी ऑनलाइन वीडियो जो अवेलेबल है यूट्यूब पर रिव्यू वाली या ऐसे भी कोई, मैं रिव्यू वाली की अभी बात कर रहा हूँ, कोई भी फेक नहीं है, कहीं से भी कोई भी फेक नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे किसी भी कंपनी ने रिव्यू यूनिट नहीं दिया है। लोग तभी झूठ बोलते हैं जब उनको रिव्यू यूनिट मिलता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कभी झूठ ना बोलूं, रिव्यू यूनिट मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने का फोन है भाई, देखो रिव्यू यूनिट का मैं भूखा नहीं हूं फोन के मामले में, ठीक है भूखा नहीं हूं, कोई जरूरत नहीं यार मत दो रिव्यू यूनिट, ठीक है नहीं चाहिए। रिव्यू यूनिट का एक ही अच्छा बात होता है कि फोन आपको पहले मिल जाता है, समझ रहे हो, और मेरे नजर में उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने इस फोन को खरीदा 7000 में, इसको मैंने बेच दिया 250 रुपया कम करके, तो 250 का ना लॉस हुआ यार, जितनी मैंने इस पे वीडियो बनाई है ना उससे मैंने कम से कम 200 तो कमा ही लिए होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं 200 कमा लिए होंगे, तो बस 50 रुपया, तो 50 रुपया कोई वैल्यू नहीं रखता है इस मामले में। ऐसे भी बहुत सारे फोन्स मैंने रिव्यू किए हैं और 2-3% फोन ऐसे होंगे या 2-3 फोन ऐसे होंगे जिनसे मैंने पूरे पैसे रिकवर किए हों, जितना मुझे लग गया हो उसको खरीदने में, लाइक रेडमी 6A और 6 Pro की मेरी सारी वीडियो बेकार गई, उसको किसी ने देखा नहीं, वहां पे कोई मतलब व्यूज नहीं आए तो ठीक से पैसा भी नहीं आया। बट यहाँ पर जो है नोकिया 5.1 और रियलमी 2 Pro की वीडियो पे काफी अच्छे अच्छे व्यूज आए, मुझे भी मजा आया। तो नेक्स्ट ईयर से मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर से मैं कंटिन्यू रखूंगा हर फोन को, और इस साल जो है बस नोट 6 Pro, उसके बाद नहीं और उससे पहले भी नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों हैव अ ग्रेट डे, ये अभी भी 100% चार्ज ना हुआ है, मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, ओवरऑल टाइमिंग जो है जैसा कि आपने देखा पूरी वीडियो में इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है चार्ज होने में, लेकिन बैकअप भी यही सबसे ज्यादा देगा। डिस्चार्जिंग टेस्ट की वीडियो नहीं आएगी, माफ कर देना। बाय, हैव अ ग्रेट डे।